नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आज मैं आप सबके सामने जो है देख सकते हैं कि जो है सीरीज का एक पार्ट मैं आप लोगों को करा चुका हूँ और दूसरा पार्ट मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोग जो है दूसरे पार्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक वाइज होगा, टॉपिक वाइज चल रहा है, आप लोगों को पता है सीजीएल की मेरिट बहुत कम गई है और टायर फर्स्ट में जो है समथिंग सा तीन लाख बीस हजार के आसपास लड़कों को जो है क्वालिफाई करा दिया गया है। तो सीजीएल टायर सेकंड में बहुत ज्यादा बच्चों को मौका मिला है और जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, समय कम है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन सबके लिए जो है यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हमारे सामने सीरीज के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री का और यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे जो है एक एक करके यहाँ पर अवेलेबल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से आपको देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर जो है आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो ध्यान से बताना है और देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है Y-BP, तो इसको आप ध्यान से समझिए इस सीरीज को और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं। तो पहले आप इसको ग्रुप में बांट लो, ठीक है। सबसे पहला काम होगा इसको ग्रुप में बांटना होगा। तो पहले देखते हैं यहां पर कितने अक्षर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। तो 20 अक्षर है तो 5 क्या 4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 के ग्रुप में बांटा है और 5 में नहीं बनेगा तो 4 के कर सकते हैं। इसका पहला लेटर Y है और ध्यान से देखें तो इसका पहला लेटर, दूसरा लेटर A है, इसका अंतिम K है, इसका भी अंतिम K है, इसका भी अंतिम K है। अब देखो Y के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो Y के बाद जगह खाली है। तो Y के बाद यहाँ पहला दूसरा लेटर खाली, दूसरा लेटर यहाँ पर A है तो यहाँ पर A को रख लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो Y-A-B-P, P के बाद यहाँ पर K है तो यहाँ पर K रख लो। सीरीज को रिपीट कर लेते हैं तो Y-A-B-P-K, यहाँ पर रिपीट करेंगे तो Y-A-B-P-K, यहाँ पर करेंगे तो Y-A-B-P-K और Y-A-B-P-K, ठीक है। तो पहले हमने A रखा, फिर हमने K रखा, फिर हमने Y रखा, फिर हमने B रखा, फिर हमने Y रखा, फिर हमने P रखा और फिर हमने A रखा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो A-K-Y-B, तो यहाँ पर ऐसा है नहीं है, A-K-Y-B और इसके बाद B के बाद है Y-P-A, तो यहाँ पर K हो गया है, देखो यहाँ पर तो A-K-Y-B, Y-P-A इसमें जाएगा, A-K-A हो गया तो भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा आंसर किया है उन सबका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब लोगों ने जो है इसको बढ़िया से किया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सब ध्यान से देख सकते हैं, 12, 15, 75 क्वेश्चन मार्क्स, 768 और 749, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज को पकड़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले आपको देखना है कि 12 में ऐसा क्या किया जाए कि 15 मिल जाए, फिर 15 में ऐसा क्या किया जाए कि 75 मिल जाए। उसी प्रकार से हम लोग जो है आगे इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको जो है सही से कर पाते। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर 12 में 15 लाना है तो प्लस 3 कर दीजिएगा, 12 3 15, और 15 में 75 लाना है तो 5 का गुणा करा देंगे तो प्लस 3 5। अब यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 3 2 5 2 और 7, यहां 7 आएगा तो पहले एक बार प्लस एक बार गुणा, तो 7 75 और 7 कितना हो जाएगा 82 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 9 का गुणा करा देंगे तो 9 दुना 18, 9 72 और 1 73, इसका मतलब यहाँ पर 82 आएगा और 82 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने दूसरे का सेकंड वाला आंसर 82 दिया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइएगा, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 का सही जवाब आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और मुझे आशा है कि इस प्रश्न को आप लोगों ने जो है अब तक पकड़ लिया होगा। तो यहाँ पर 23, 29, 31, 41, 43, 47। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये 23 एक अभाज्य संख्या है,
23 के बाद अगली संख्या अभाज्य आती है, 23 से कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर, 23 से क्या कर रहा है, अभाज्य संख्याओं को कंटिन्यू कर रहा है, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 ये अभाज्य संख्या है कंटिन्यू लगातार। अब 47 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 48, 49, 50 तो होगा नहीं, 51 होगा नहीं क्योंकि 27 तीन से डिवाइडेड है, 3 × 2 = 6, 52 होगा नहीं, तो बचेगा क्या, 53, यहाँ पर 53 आएगा, कौन सा आएगा, 53, और 53 का है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज लिखी गई थी और आप सब देख सकते हैं कि 23 से शुरू करते हुए लगातार कंटिन्यू अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ पर 47 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी 53, क्योंकि 51 अभाज्य संख्या नहीं है, 51 जो है आपकी 3 से डिवाइडेड है, किससे डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना है। तो ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है आप सबके सामने, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कितने बच्चे कर पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि पहले ऐसे प्रश्नों में टोटल अक्षरों की संख्या काउंट कर लो, काउंट करने के बाद इसको पेयर में डिवाइड करो। जैसे मान लो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल 15 अक्षर हैं। तो 15 किया तो 4 के हम 5 ग्रुप बना सकते हैं, तो 5 के 4 ग्रुप बना सकते हैं, यह बात आपको ध्यान देना है। दो में से कोई एक ग्रुप बनेगा फिर उसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो पहले 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 यहां पर, 1, 2, 3, 4 यहां पर, 1, 2, 3, 4 यहां पर, लास्ट में 3 बच रहा है। इसका पहला लेटर K है, इसका M है, इसका U, तो कोई समानता नहीं है। इसका मतलब जो हम 4 का ग्रुप बना रहे हैं वो यहां पर सही नहीं हो सकता, हम 5 के 4 ग्रुप बना के चेक कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अब रिपीट करते हैं, इसका पहला लेटर K है, इसका अंतिम लेटर M है, इसका भी अंतिम लेटर M है, इसका भी पहला लेटर K है, तो बोलो समानता नजर आ रही है कि नहीं। अगर प्रश्न सही होगा तो अपने आप समानता वहां दिखने लगेगी। अब K के बाद हमें चाहिए, तो K के बाद जगह खाली है, तो यहाँ पर सेकंड लेटर इसका L है, यहाँ पर K के बाद L है, तो यहाँ L रख देंगे, तो K L N U M अब रिपीट हो गया। अब इसी को सब जगह रिपीट कर देंगे, एक सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर भी आएगा K L N U M, यहाँ पर भी आएगा K L N U M, बोलो आया। पहले हमने क्या रखा, L रखा, फिर K रखा, फिर N रखा, फिर U रखा और फिर M रखा, तो L K N U M, तो L K N U M, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है ग्रुप बनाना पड़ेगा, और जब तक आप ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक प्रश्नों को अच्छे से दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उनमें से अपनी हिंदी वीडियो, पेट की काम्बो, पेट का बुक, आरओ एआरओ और लेखपाल का काम्बो बुक, जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है प्रोवाइड की गई है वो सब आप सबके सामने है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहां पर इसको फिर से रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा। इसमें पहले टोटल काउंट करो कितने अक्षर हैं, और जब अक्षर काउंट कर लोगे तो इनको आपको जो है रिपीट करने का क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको जो है कर पाते हैं, बताओ भाई। आइए दोस्तों इसको ध्यान से देखते हैं, पहले इसको बांटते हैं ग्रुप में। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 है। कितने हैं, 30। तो या तो तीस में हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं, 30 में या तो हम 5-5 के 6 ग्रुप बनाएंगे या तो 6-6 के 5 ग्रुप बनाएंगे, यही हम कर सकते हैं। तो पहले हम 5-5 के 6 ग्रुप बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 5-5 के 6 ग्रुप। इसका पहला लेटर G है, इसका पहला लेटर है नहीं, इसका अंतिम लेटर D है लेकिन इसका अंतिम लेटर Z है, इसका अंतिम लेटर D है, तो इसका कॉम्बिनेशन इससे बना लो, डी वाले का, और इसका कॉम्बिनेशन इससे बना लो, और इसका जो कॉम्बिनेशन इसके साथ, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, दो सीरीजें चलेंगी। तो
तो यहां पर देखो इसका कॉम्बिनेशन, पहले का कॉम्बिनेशन तीसरे वाले के साथ गया है, तो यहां पर सेकंड लेटर में क्या है, पी, और सी टी डी रिपीट कर रहा है, तो यहां पी रख लेंगे बन गया, तो जी पी सी टी डी, तो यहां पर आएगा जी पी सी टी डी और जी पी सी टी डी, एक हमने कंप्लीट किया। अब इसमें आ जाओ, डब्ल्यू से पहले यहां पर चाहिए तो ए डब्ल्यू पी, तो यहां पर ए रख देंगे तो ए डब्ल्यू पी एम जेड, यहां पर ए डब्ल्यू पी एम जेड आएगा, यहां पर ए डब्ल्यू पी एम जेड। तो पहले हमने क्या रखा, पहले हमने पी रखा, फिर हमने ए रखा, फिर हमने जी रखा, फिर हमने एम रखा, फिर हमने डी रखा, और फिर हमने क्या रखा, डब्ल्यू रखा। ठीक है, देख पा रहे, तो यहां पर पी ए जी एम डी डब्ल्यू, तो पी ए जी यहां पर है नहीं, पी ए जी एम डी डब्ल्यू इसमें सेकंड वाले में, इसमें पी ए एम हो गया, पी जी ए हो गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाला। और पांचवे का जिन बच्चों ने सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, तो जब भी ऐसे प्रश्न आप सबके सामने आएंगे तो पहले उसको ग्रुप में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ग्रुप को बनाना है, बनाने के बाद उसको रिपीट करना है और देखना है कि किसका किसके साथ समानता है। समानता देखना बहुत अनिवार्य है, क्या जो हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं कि वो सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये बात जानना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिएगा, 1, 6, 25, 76 क्वेश्चन मार्क 154, तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अब दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा तो अगर एक में 6 लाना है, तो एक में 6 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले आपको सोचना पड़ेगा 6 में 25 लाना है क्या करेंगे, 25 में अगर 76 लाना है तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों अगर एक में 6 लाना है तो हम 5 का गुणा करा दें एक में और एक जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, एक में 5 का गुणा कराएंगे तो एक पांच में 5 का 1 5 5 5 और 1 6। अब इसके बाद 24 में 25 लाना है तो 6 में 4 का गुणा करा दें, 6 चौके 24 और 1, तो 24 और 1 25। अब यहां पर 25 में 3 का गुणा करा दें और 1 जोड़ दें, तो 25 3 75 और 1 76। अब 76 में हम क्या करें, 2 का गुणा करा दें और 1 जोड़ दें, तो कितना आएगा, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 152 और एक कितना हो गया 53, तो यहाँ पर 153 आएगा, कितना 153 में अगर हम एक का गुणा करा दें एक जोड़ दें तो 153 और 154 मिलेगा, तो यहाँ पर 153 आएगा, क्या आएगा 153 आएगा, और छठवें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा। और क्वेश्चन देख सकते हैं कि SSC CSSL 15/4/2021 गुड आफ्टरनून का प्रश्न है दोपहर की बैच का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 7 को दोस्तों ध्यान से देखो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 432, 413, 396 सीरीज कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अब देखो कितना कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, आपको देखना है, तो सीरीज को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि सीरीज कैसे कम हो रही है, बताओ भाई। 432 से सीधे 413 में आ गई है, तो कैसे कम करेंगे, तो अगर 432 में 413 घटाएंगे तो 12 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 बचेगा, और यहां पर 2 में 1 जाएगा 1, तो यहां पर 19 कम किया है। 413 में 396, 13 में 6 घटा देंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और यहां पर बचेगा कितना, यहां से 10 में अगर 9 घटाएंगे 1 तो माइनस का 17 किया है, तो पहले माइनस का 19 माइनस का 17 तो माइनस का 15 करके देखते हैं फिर, ठीक है, माइनस का 15 करके देखते हैं। तो अगर 6 में 5 जाएगा 1 आएगा, और इसके बाद 9 में 1 जाएगा 8 आएगा, और यहां पर 381 आएगा, 381 देखो ऑप्शन में है। आगे अगर हमें और बढ़ना है तो 381 में हमको माइनस 13 करना पड़ेगा, तो 11 में 13 घटाएंगे 8, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। सातवें का जो आंसर होगा चौथा, 381 आएगा। इसी प्रकार से माइनस 13, फिर यहां माइनस 12 करेंगे, फिर यहां माइनस 11 करेंगे, तो 7 यहां ऐसे नहीं कर सकते ना, यहां पर क्या करना होगा, यहां पर हमको माइनस 11 करना है, ठीक है, और यहां पर हमको माइनस 9 करना है, ठीक है, माइनस 9 करना है, ठीक है। 8 में 1 जाएगा 7, 6 में 1 जाएगा 5 और 3, तो 357, 357 में 9 घटाएंगे 348 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो माइनस 19 माइनस 17 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 माइनस 9, तो सातवें का जो आंसर आएगा चौथा वाला, देख पा रहे हैं ना, तो इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी, बस उसमें यहां पर जो सीरीज में कमी हो रही थी उस कमी को हमें क्या करना था, पहचानना था। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर से रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो पहले इसमें अक्षरों की संख्या को काउंट कर लो, और काउंट करने के बाद इसको जो है आपको रिपीट करने का प्रयास करना है, तो सीरीज आपको जो है आसानी से जो है मिल जाएगी। आइए देखते हैं इसमें कितने अक्षर हैं, तो
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। अगर 20 अक्षर हैं तो या तो हम चार चार के पांच सीरीज बना सकते हैं, तो पांच पांच की चार सीरीज। तो पहले चार चार का चेक कर लेते हैं। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इसका पहला लेटर R है, इसका पहला लेटर Q है, इसका B है, इसका L है, कोई समानता नहीं है। इसका देखो, इसका तीसरा लेटर L है, इसका P है, और इसका जो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ कोई समानता नहीं, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम चार चार के ग्रुप नहीं बना सकते, तो हम पांच पांच के चार ग्रुप बना के चेक कर लेते हैं। फिर भाई मैंने कहा था ना कि हमको ग्रुप को मैच कराना जरूरी होता है, पांच पांच का, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। देखो इसका पहला लेटर R है, इसका पहला R है, इसका पहला R है, इसका अंतिम Q है, इसका अंतिम Q है, इसका अंतिम Q है, मतलब अब हम सही है, अब हम सही है, अब इसको रिपीट कर सकते हैं। R के बाद हमको चाहिए होगा, इसका सेकंड लेटर मिस है, तो यहाँ R के बाद क्या है, P, तो P रख लेंगे। यहाँ L के बाद चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखो L के बाद B है, तो यहाँ B रख ले। एक कंप्लीट हुआ, बाकी रिपीट कर देंगे। तो R P L B Q, R P L B Q, R P L B Q, ठीक है, R P L B Q आ गया। तो पहले हमने क्या रखा, P रखा, फिर B रखा, फिर L रखा, फिर R रखा, फिर हमने Q रखा, और इसके बाद P रखा, और इसके बाद B रखा। अब मैच करा लो, P B L R Q, तो P B L R Q है नहीं, P B L R Q P B, ये सही हो गया। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो कौन सा जाएगा, सेकेंड वाला। तो आठवीं का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला जाएगा, और अगर आप लोगों ने आठवीं का सेकेंड वाला क्वेश्चन किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं, हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है वो आपका जो है प्रारंभ हो चुका है। अगर आप लोग स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन नंबर 9, फिर से वही प्रश्न आ गया, इसको रिपीट करो और बताओ। फिर से आपका वही प्रश्न आ गया, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इस बार सीएसएल में से पूछा था इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला काम है कि आपको अक्षरों को ग्रुप में बांटना पड़ेगा, तो चलो ग्रुप में बांटते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस है। अगर 25 है तो पांच पांच का ग्रुप सीधे बांट दो। तो एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन चार पाँच। इसका पहला लेटर L है, इसका L है, इसका L, मतलब सही जा रहे हैं, ठीक है। L के बाद यहाँ पर G आया, तो यहाँ G रख लो। L G C H T, 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 ये आ गया। तो पहले G रखा, फिर H रखा, फिर C रखा, फिर L रखा, फिर H रखा, और फिर T रखा। अब मिला लो G H C L, तो G H C L H T पहले में ही है। देखो G H C, G H C L H T, तो G H C यहाँ पर H L T हो गया, H H हो गया, H G हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा जाएगा, पहला वाला। तो 9 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। और अगर आप लोगों ने 9 का पहला वाला क्वेश्चन किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, और 10 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो 9, 10, 13, 24, 37, 66 और 97, बताओ भाई इसमें ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि प्रश्न हमारा सही हो जाए। बताओ भाई, अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 से 10 में जाना है, 10 से 13 में जाना है, 13 से 24 में जाना है। तो इस प्रकार से जो है पहले हमको इसको देखना पड़ेगा। 9 एकन्नम 9 ऐसे तो आएगा नहीं, पहले एक काम करते हैं। 9 में अगर हम 1 जोड़ दें, 9 एक 10 3 13, 4 में 3 गया 1 तो प्लस 11, 7 में 4 घटा देंगे 3 आएगा, 3 में 2 घटा देंगे प्लस 13, और यहाँ पर 37 और 66 का अंतर तो लंबा आएगा, तो 16 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 7 और 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9, और 5 में 3 गया 2, यहाँ प्लस 29 का डिफरेंस आएगा, और 7 में 6 जाएगा कितना आएगा, 7 में 6 गया 1, 9 में 6 गया 3 आएगा, 31 आएगा, प्लस 31 आएगा। अब यहाँ पर देखो अगर 1 में 3 में जाना है तो यहाँ पर कितना है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 11 से अगर 2 में जाना है तो यहाँ 8 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर आए
तो यहाँ पर 11 और 2 13, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या किया है, 9 में 3 गया कितना जाएगा 6, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। और आगे बढ़ें यहाँ पर तो 29 और 2 31 प्लस 2 का डिफरेंस है। तो इसमें देखो 2 फिर 8 फिर 2 फिर 16, इसको डबल किया, 8 का डबल 16 और फिर प्लस 2, तो 16 का डबल कितना आएगा 32, तो यहाँ प्लस 32 होगा, कितना होगा प्लस 32, 16 दुनाई 32 होगा। इसका दो दो कॉम्बिनेशन चल रहा है आगे और इनको संख्याओं को डबल कर रहा है, तो 16 दुनाई 32। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 और 1 कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6 63, 7 3 10 हो गया, और 9 6 15 और 1 16 160 हो गया। तो 100 क्या गड़बड़ हो गया क्या, 32 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 7 3 10 9 6 15 और 1 16, कुछ तो गड़बड़ हमने कर दिया। 8 16 दुनाई 32 है तो होना चाहिए, 8 दुनाई 16, 8 तरीक 24, ये भी हो सकता है, यहाँ पर हम 24 कर लें। चलो समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसमें 8 का 2 का गुणा कराया 16 मिल गया, और यहाँ पर 8 में यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे तो 8 तरीक 24 मिल जाएगा। तो 24 4 और 1 कितना आएगा, 4 और 1 5, 3 और 2 5 55, 7 5 12, 9 5 14 और 1 15 152। अब देख लेते हैं, हाँ ये सही है, 152 सही है। तो वहां पर उसको क्या करना है, पहले 8 में 2 का गुणा, फिर इसके बाद 8 में जो है 8 में 1 का गुणा, यहाँ पर 8 में 1 का गुणा, इसके बाद 8 में 2 का गुणा, और इसके बाद 8 में 3 का गुणा, 8 तरीक 24। तो ये 24 इसमें जोड़ देंगे, तो 24 जब जोड़ेंगे तो 31 और 24 हो गया 55, 55 में 97 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 152 आएगा। ठीक है, ये सीरीज चल रही थी, बहुत ही शानदार सीरीज थी ये। ठीक है, 2 डिफरेंस में सीरीज को पकड़ा, जब हमको नहीं मिली तो दूसरा चीज ट्राई किया, यही करना होता है। अगर एक बार सोच नहीं पहुंचती तो दोबारा हम प्रयास करेंगे और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक आंसर नहीं मिल जाता। यहां पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके बाद में सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, जो ई बुक्स है जो स्टडी 91 आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों जो जस्ट 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी इसको कर लिया होगा बढ़िया से। तो थैंक यू आप सभी को, सभी को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से 12 बजे मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।